स्टूडेंट्स, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? हाँ यस सर। तो आज हम वर्क एनर्जी पावर रिवीजन करेंगे। लास्ट टाइम लॉज ऑफ मोशन क्या था? मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लूंगा मैं पहले। एग्जाम्पल अभी लूंगा, पहले कॉलिजन एक बार डिस्कस कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। सर क्वेश्चन दे दो इसके तो। कॉलिजन के जी सर। कोलिजन में आपके दो तरह के थे, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिर देखते हैं। ये हमारे पास टू मासेस हैं, M1 एंड M2। इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी मान लें 2 मीटर पर सेकेंड है। ये 2 kg है और ये 1 kg है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ M1 एंड M2। फॉर इन इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर देखते हैं आपके आंसर भी चेक करेंगे। थर्ड केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन केस 1, ये भी निकाल देंगे। स्टूडेंट्स, आंसर आ गए आप लोगों के? ये लास्ट का क्लिप था, क्या देखिए सर एक मिनट। इलास्टिक कोलिजन, तो फर्स्ट केस में इलास्टिक कोलिजन है, तो ये कोलिजन के बाद एक साथ मूव करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन लगानी है, M1 plus M2 into V।
वेलोसिटी कॉमन होगी। सिर्फ इतना करना है आपको, ये वेलोसिटी आएगी सबकी 14/3, दूसरे का 10/3। दूसरे का, ये परफेक्टली इलास्टिक में बता रहे हैं। यस सर। इसमें दो वेलोसिटी आएंगी ना, दोनों बता रहे हैं। हाँ सर, V1 10/3। हाँ, और V2 22/3। सबके आंसर आ रहे हैं। आप मुझे फॉर्मूला बता दो, V1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया? यस सर। V1 वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिख बता दो मुझे बस। किस फॉर्मूले से निकाली ये फर्स्ट वेलोसिटी? सर M1 - M2, M1 + M2 इंटू U1 + 2M2 अपॉन M1 + M2 इंटू U2। सबने ऐसे निकाला तो इससे फास्ट आएगा और इक्वेशन बना के स्लो हो जाएगा। ये V1 निकालेंगे इसी तरह, V2 के लिए इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूं मैं। इस तरह V1 V2 फास्ट निकालेंगे सीधे वैल्यू पुटअप करके। और लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होगा? M1 M2। नहीं, हाफ भी लगाएंगे ना। हाँ, हाफ M1 M2। U1 - U2 का होल स्क्वायर। हाँ, और अपॉन में, कौन में भी है कुछ? M1 + M2। तो ये वैल्यूज पुट अप करके इससे लॉस ऑफ एनर्जी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये वर्टिकल सर्कल है और यहाँ पर वेलोसिटी जो लोएस्ट पॉइंट ए है एक पॉइंट मास एम है, इसको हम ओ के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल सर्कल में। और ए पॉइंट पर वेलोसिटी सॉरी ये गिवन है हमें √12 gr। r इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बी और सी पर वेलोसिटी और टेंशन बता देंगे। जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगी? टेंशन यहां भी निकालनी है ए बी सी में। यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड वेलोसिटी एट बी एंड सी एंड टेंशन एट ए बी एंड सी, तीनों में टेंशन और निकाल देंगे। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी।
ए पर टेंशन आ गई सबकी। तो30 mg। ए पर टेंशन 13 mg। देखते हैं ए पॉइंट के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम इस मास का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टेंशन एट ए सेंटर की तरफ। इक्वेशन होगी ये नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी एट ए स्क्वायर ही आ गया 12 gr। इसलिए टेंशन ये 13 mg ए पॉइंट पर। इसी तरह बी पर वेलोसिटी और टेंशन दोनों निकालने हैं। सेलेक्ट बी 10 mg। बी पर टेंशन 10 mg ओके और वेलोसिटी 10 gr। 10 gr। अभी देखते हैं सबका ये आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ये वाला, इससे पहले वाला आया था समझ में। ओके इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक मास है ओ के अबाउट, इसको वर्टिकल मोशन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कल में। इसकी वेलोसिटी ए पर ये गिवन है √12 gr। तो जब ये हॉरिजेंटल होगा बी पर और सी पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो मुझे ए बी सी तीनों जगह टेंशन निकालनी है और वेलोसिटी फाइंड करनी है बी और सी पर। अब बताइए क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। तो अब ट्राई करते हैं। अब पी पे वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो, ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं। हमारा ये जो मास है ये ऐसे गया ए टू बी, तो यहां पे बी पर हाइट है रेडियस के इक्वल। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर मैकेनिकल एनर्जी ½ mv² काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0। हमने ये रेफरेंस ले लिया ए पॉइंट, इसको हम रेफरेंस ले लेते हैं। और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी
MgR प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये एम से डिवाइड कर दिया, उसे सबको मल्टीप्लाई कर दिया, देखें सबका ये आ रहा है, सबको समझ में यहां तक? और ए पर वेलोसिटी हमें दी थी अंडर रूट 12 जी आर, ये हो गई 12 जी आर इसलिए वेलोसिटी एट बी। अब देखें अब सबका आंसर ही आया। यस सर। और अब बी पे हमें टेंशन निकालनी है, बी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। तो टेंशन एट बी और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस इक्वेशन का यूज करके बी पे टेंशन निकालेंगे आप लोग। टेंशन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि एमजी का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, जीरो कंपोनेंट है एमजी का, तो इस यहाँ पे जो वीबी की वैल्यू आई थी वो रख देंगे। ऐसे बी पॉइंट पर टेंशन आ गई। अब देखिए सबका क्लियर है, सबको आई है, आंसर आ रहा है सेम। इस रूल से सी पे निकालने वाले हैं अभी आप लोग। एट पॉइंट सी ये ए और ये वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है सी। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट सी। मैकेनिकल एनर्जी एक तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी इन टू टू आर, इसको यूज करके वी सी निकालें सब लोग। ये दिया है हमें 12 जी आर वी स्क्वायर इससे हमारा वी सी आ गया। ये स्टेप्स क्लियर हैं आप लोगों को? सबका ही आंसर आ गया वीसी।
यस सर। टेंशन भी आ गई सी पॉइंट पर 7 mg। 7 mg टेंशन इज 7 mg। ये ए पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम मैं पी रख रहा हूं। ये 60 डिग्री है मान लेते हैं, तो सेम वेलोसिटी से जब ए पर अंडर रूट 12 g आ रहे हैं, बी पे ले जाएंगे तो ये टेंशन क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड कर लिया। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, यहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। सर अंडर रूट 11 दिया। कितनी आ रही है वेलोसिटी एट पी? अंडर रूट 11 11 जी आर जी आर। और टेंशन 23/2 mg। अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं, बाकी लोग बताएं मुझे, आप बाकी लोगों का आंसर मैच कर रहा है? यस सर। हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस 0। यहाँ पर ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये आर है और ये आर कॉस 60, यानी ये आर बाई टू हो गया, तो ये बचा, ये भी आर बाई टू हो गया। प्लस हाफ है वी पी स्क्वायर, ये यूज करना है हमें। और ये था हमारा 12 gr। इसलिए वी पी आ गया मेरा रूट 11 gr। और टेंशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये एंगल है 60 डिग्री, इधर कंपोनेंट एम जी कॉस 60, एम जी बाई टू, और ये टेंशन सेंटर की तरफ, और टेंशन माइनस वेट कंपोनेंट इक्वल टू नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर
और VP हमारा यहां से रख देंगे, तो मैं मान रहा हूं सबका ही आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। पोटेंशियल एनर्जी हमें ये गिवन है, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ये गिवन है हमें। फाइंड फोर्स एट पॉइंट -1, 1 एंड 1, इस पॉइंट पर फोर्स क्या होगी इस स्पेस में, ये फाइंड करना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, पहले मुझे एक्स वाई जेड के टर्म्स में पहले फोर्स का फंक्शन निकाल के बता देंगे, फिर बाद में उसमें ये वैल्यू रखेंगे हम। सोच लें, अभी सोच लें, आई जे के वेक्टर भी आएगा इसमें, माइनस वाई जेड आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप। हाँ गुड, जो फोर्स है हमारा वो ऐसा लिखेंगे ना, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स वेक्टर आई वेक्टर के, तो डेल यू बाई डेल एक्स ये आ गया माइनस ऑफ वाई जेड इंटू आई कैप प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एक्स जेड, और माइनस हो जाएगा माइनस एक्स जेड और माइनस एक्स वाई के कैप, और अब इसमें वैल्यू रख लेंगे वाई जेड 1 1 ये आ गया माइनस आई एक्स जेड -1 और माइनस प्लस हो गया प्लस जे एक्स वाई -1 और ये प्लस हो गया। तो देखें सबका ही आंसर आ गया। Yes. एक बार ये वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लो आप लोग, ये कोई विजन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया एच हाइट से, और मान लो मैं इसको 6 R ले ले रहा हूँ, और ये रेडियस है हमारी R,
तो खाली दो पॉइंट लेते हैं हम, ए और बी, यहाँ पे वेलोसिटी और रिएक्शन। वो आके इस सर्किल के अंदर मूव करेगा, एंड नॉर्मल रिएक्शन एट ए एंड बी, ये फाइंड कर देंगे जल्दी से। और इसका मास एम ले लेंगे, और वेलोसिटी रेडियस की टर्म्स में और जी के टर्म्स में निकाल देंगे। सर अंडर रूट 12 आर जी। ओके, ए पे वेलोसिटी अंडर रूट जी आर बता रहे हैं, अभी देखता हूँ। अच्छा, इसको मैं डी, इसको मैं ई ले लेता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पर एम जी एच प्लस जीरो, यहाँ से हमने रिलीज किया काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, और काइनेटिक ही आ गई हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो वी ए की वैल्यू हमारी आ गई 13 mg। 13 mg होगी, राइट। तो ए पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर बना लें तो ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर डायरेक्शन में और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एन ए माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और वी ए स्क्वायर में ये रख देता हूँ 12 gr, तो 13 mg। इसी तरह b पे निकाल लेंगे, जैसे a पर निकाला तो b पर वेलोसिटी आएगी रूट 10 gr, और नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी 10 mg। ठीक है, सबका ही आंसर आ रहा है, किसी को डाउट है अभी?
स्टूडेंट सबका आंसर आ गया ये? यस सर। चलो एक क्वेश्चन ये और कर दो वर्टिकल सर्कल का। तो यहां से हमने ये सॉलिड स्फीयर है, इसके ऊपर इस पॉइंट मास एम को रखा है और जब ये ए से बी पर आएगा, मान लें ये बी पे डिटैच हो जाता है, जस्ट इसको स्फीयर को छोड़ देता है, तो ये एंगल फाइंड करना है आपको। जिन स्टूडेंट्स को मैंने कराया है वो नहीं बताएंगे, बाकी लोग करेंगे, शायद कुछ कॉमन स्टूडेंट्स हैं अभी। तो ये मैक्सिमम थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा मैक्स जिस पर ये इसको स्फीयर को छोड़ देगा ये पॉइंट मास, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था ना मैंने लास्ट टाइम, कुछ लोगों को स्टूडेंट्स, आप लोग थे उस बैच में। रेडियस आर ले लो, ये सॉलिड स्फीयर है। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों को ये क्वेश्चन किया था या नहीं किया था बताइए मुझे। यस सर। लास्ट क्लास में किया था ना हमने ये क्वेश्चन, कुछ लोग तो कॉमन है क्लास में। तो मैं मान लूं आप सब कर लेंगे। सर बता दो एक बार। ए से बी तक आने में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, और एक बार लगाएंगे जब नॉर्मल रिएक्शन जो होगी यहाँ पे वो सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर, जो भी यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगी रेडियस के अलोंग। तो दो इक्वेशन यूज करने वाला हूँ मैं, पहले देखते हैं। फर्स्ट मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इसके लिए हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी एम जी आर, मैंने ये रेफरेंस ले लिया, ओ पॉइंट रेफरेंस ले लिया, ये हाइट आर हो गई, एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब ये पार्टिकल बी पर आ जाएगा तो हाइट हो जाएगी ये आर, और ये हाइट हो गई आर कॉस थीटा, ये स्टेप क्लियर है आप लोगों को। बी के लिए हाइट आर कॉस थीटा हो गई, ये वाला डिस्टेंस, ये ओ वाली जो लाइन है ये डायमीटर से ये वाली हाइट एच है,
यार है, तो यार कॉस थीटा हो गई, प्लस हाफ है वी बी स्क्वायर, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसमें एम से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ और टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 2 GR, और ये हो गया 2 GR cos थीटा प्लस वी बी स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं 1 cos θ, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले यहां तक समझना है, यहां तक पहले देखिए, क्लियर स्टेप्स। अब मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूं। अब रिएक्शन के लिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन के लिए। यह हमारा पॉइंट मास होगा, इसका वेट mg, ये होगा ये एंगल थीटा, ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, सेंटर की तरफ एम जी कॉस थीटा माइनस एन एम जी कॉस थीटा माइनस नॉर्मल रिएक्शन, जो भी ये ऑब्जेक्ट बी पे रखा होगा सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इसके अलोंग, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जनरल इक्वेशन आई, और जब ये पॉइंट यहाँ पे जस्ट इसको छोड़ने वाला है स्फीयर को, इससे अलग डिटैच होगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। तो एट बी दिस एन बिकम्स 0, क्योंकि वो जस्ट अलग होने वाला है उससे, जस्ट अलग होता है, तो एम जी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहां से ये एम कैंसिल हो गया, जी इधर चला गया, ये हो गया जी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी बी स्क्वायर, और वी बी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूं, ये जी आर और जी आर ये कैंसिल हो गए, ये कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 2 cos θ, तो ये हो गया 3 cos θ इक्वल टू 2। इसलिए मेरी कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई, ये मैक्सिमम एंगल पॉसिबल है, तो थीटा मैक्सिमम कॉस इनवर्स 2/3। देखिए आप लोग स्टेप्स क्लियर हैं, किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बताइए मुझे। स्टूडेंट्स आप देखिए स्टेप्स, किसी को डाउट है कोई, आगे चलूं? मैं मान रहा हूं आपका हो गया ये, ठीक है।
अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें, अगर ये एंगल थीटा 30 डिग्री हो, 30 डिग्री, तो इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन और वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें मैंने ये एंगल 30 डिग्री कर दिया है, ये थीटा, यहां से हमने रिलीज किया तो बी पॉइंट पर वेलोसिटी एट बी एंड नॉर्मल रिएक्शन एट बी आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मुझे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन? आप लोग बताइए मुझे, आप ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूंगा? करें ओके। पहले मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी एट ए टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी, और मैं इस ये ओ पॉइंट है इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, तो हाइट में इस रेफरेंस से मेजर करूँगा, सेंटर से जो डायमीटर पास हो रहा है उससे। तो फर्स्ट के लिए पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर, और बी पॉइंट पर ये हाइट हो गई आर कॉस थीटा, आर कॉस 30 प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये एम मैंने कैंसिल कर दिया, जी आर इक्वल टू कॉस 30 रूट 3/2 प्लस वी बी स्क्वायर बाई टू, और टू से अब मैं सबको तो वी मल्टीप्लाई, बी है 2 - √3 GR का होल रूट। ओके अभी टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2 GR इक्वल टू √3 GR प्लस वी बी स्क्वायर, तो इसलिए वी और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, सबका ये आंसर आ रहा है? बी पॉइंट पर वेलोसिटी आएगी सबके, ठीक है? स्टूडेंट्स बताओ तो सही मुझे, यस सर। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है बी पॉइंट पर। तो इसलिए एम जी, ये एम जी का कंपोनेंट इधर लगेगा, एम जी कॉस 30 और ये नॉर्मल रिएक्शन। तो एम जी कॉस 30 माइनस एन करूं या एन माइनस एम जी कॉस 30 करूं, क्या करूं और क्यों? क्यों mg cos 30 - n, mg cos 30 - n।
सेंटर वाला, सेंटर की तरफ सेंटर की लगने वाला तरफ। फोर्स ज्यादा होता हाँ है। हाँ सेंटर की तरफ आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर सब मालूम है आप लोगों, फिर रिप्लाई बड़ा स्लो आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहे बाकी लोग, तो कुछ बता नहीं रहे मुझे, और ऐसा लग रहा है नाराज नाराज है, कुछ बता नहीं रहे। MG cos 30 माइनस VB स्क्वायर। और VB स्क्वायर की वैल्यू मैं यहां से रख दे रहा हूँ, 2 माइनस रूट 3। ये R कैंसिल हो गया, हो गया -2 mg, और ये हो गया +√3 mg। तो ये और ये वाले टर्म ऐड हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3/2। -2 mg। देखिए सबका ही आंसर आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो अब मैं ये मान रहा हूँ वर्क एनर्जी में आप लोग ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, और मैं एक क्वेश्चन आपको सेंटर ऑफ मास का दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेंटर ऑफ सर मास वो क्या एक बार रिपीट को रीजन बता दीजिए। बोल रहे हैं, ऑब्लिक कोलिजन। यस हाँ ठीक है चलो, ऑब्लिक कोलिजन बता देता हूँ। ऑब्लिक कोलिजन भी दो तरह का होता है, फर्स्ट टाइप का मैं ले रहा हूँ जहाँ पे मुझे एक फ्लोर दिया है और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो हम शायद हमने पढ़ा होगा, ई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, याद है आपको? हाँ पढ़ा है क्या, U1 - U2 और V2 - U1। ये कब, जब दो मासेस हो। अभी मैं ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी मैं ये एक स्पेशल केस ले रहा हूँ, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, ये नॉर्मल है हमारा। ये ऑब्जेक्ट एंगल थीटा पे स्ट्राइक करने वाला है, इसकी वेलोसिटी यू है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ई गिवन है, और स्ट्राइक करने के बाद मान लें वो एंगल नॉर्मल से एंगल फाई बनाता है और उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। तो एक तो इस तरह के आते हैं ऑब्लिक कोलिजन के, और एक आएंगे कि दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक कर रहे हैं उनको ऑब्लिक कोलिजन, वो इसके बाद लेता हूं। तो इसमें मास एम के वन है, स्ट्राइक करने के बाद ये वी वेलोसिटी से अवे जाता है, अभी यू वेलोसिटी से ये इस पॉइंट ए की तरफ आ रहा है, पॉइंट ए ये स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके ऐसे आ रहा है। फिगर समझ में आई पहले आप लोगों को? यस।
हमें इसमें एक तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और ये फाइंड करना है ये एंगल फाई कितना होगा नॉर्मल से जब ये ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करके जाएगा। ये एक तरह का ऑब्लिक कोलिजन है। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस फ्लोर के पैरेलल डायरेक्शन में, इसके पैरेलल, वो अनचेंज रहेगा, और जो वेलोसिटी इसके नॉर्मल डायरेक्शन में स्ट्राइक करने के बाद वो ई टाइम से आती है, ई कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, इसे याद भी रखेंगे। तो वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू दिस फ्लोर तो यू कॉस थीटा, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हो गई स्ट्राइक करने वाली, और ये पैरेलल वाली स्ट्राइक करने से पहले यू साइन थीटा, स्ट्राइक करने के बाद ये हो गई वी साइन फाई, और इधर हो जाएगी वी कॉस फाई। तो हमें दो इक्वेशन मिलने वाली है, जो पैरेलल वाले हैं वो कंपोनेंट सेम रहते हैं, ये बराबर ये रख देंगे, इसलिए यू साइन थीटा इक्वल टू वी साइन फाई, ये एक इक्वेशन मिली हमें। या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, वी साइन फाई और अब नॉर्मल डायरेक्शन में वी कॉस फाई, जो इनकमिंग कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, इसको ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी कॉस फाई, यानी ई टाइम्स यू कॉस थीटा। अब हमें इसको डिवाइड करते हैं, फाइव निकालने के लिए मैं ये इक्वेशन, इसको टू ले लेता हूँ और इसको मैं थ्री कर देता हूँ, तो सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाई थर्ड इक्वेशन, इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास पी साइन फाई अपॉन पी कॉस फाई, यू साइन थीटा अपॉन ई यू कॉस थीटा। तो यू कैंसिल होगा, इधर वी कैंसिल होगा, तो इसलिए मेरे पास ये डायरेक्शन आ रही है इससे, टेन फाई टेन थीटा अपॉन ई, इक्वेशन नंबर फोर। तो एक तो मेरे इससे ये डायरेक्शन आ गई, और अगर मुझे वी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं दोनों का स्क्वायर करके सम कर दूंगा, इक्वेशन टू का स्क्वायर और इक्वेशन थ्री का स्क्वायर, उसका सम कर दूंगा। पहले यहां तक देखें, यहां तक समझ में आया? कोई यस डिफिकल्टी आप सर, लोगों को? हाँ, यहां तक क्लियर है ना सारे स्टेप्स? अब वी वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके सम कर रहा हूं, अपॉन स्क्वायरिंग इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री एंड एडिंग अप। आपने जो क्वेश्चन आपने पूछा था ऑब्लिक वाला, वो दूसरा था, वो भी मैं बता रहा हूँ इसके बाद, तो हम परेशान नहीं होंगे कि मैंने जो पूछा था उसकी जगह ये तो ये वाला आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला। मैंने दोनों बता देता हूँ, ठीक है? वो जो नॉर्मल वाला है वो भी आने वाला है, जब दो एम वन एम टू मासेस स्ट्राइक करते हैं और स्ट्राइक करने के बाद वो ऑब्लिक डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो भी अभी ले रहा हूँ। तो इन दोनों का स्क्वायर किया हमने, तो ये हो गया वी स्क्वायर, और यहाँ ये हो गया यू स्क्वायर,
प्लस ई स्क्वायर यू स्क्वायर, इसलिए बी की वैल्यू हो गई मेरी यू क्वेश्चन नंबर 5। तो एक तो ये ऑब्लिक कोलिजन हुआ, पहले ये नोट करते हैं फिर अगला वाला कोलिजन ले रहा हूं। यहां तक हो गया सबका? अब मैं इसको शिफ्ट करके अगले टाइम सेकंड केस ले रहा हूँ, जनरली जो केस ज्यादा पूछा जाता है केस टू। ये एम वन, सपोज ये एम वन एम टू स्ट्राइक करता है, अब फ्लोर हटा देता हूँ मैं क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन है, ये कहीं भी स्पेस में हो रहा है मान लेते हैं। खाली डायरेक्शन रखता हूं मैं, ये एम वन, इसकी वेलोसिटी यू वन, ये एम टू, जनरली इसकी वेलोसिटी हमें जीरो मिलती है इनिशियली, और स्ट्राइक करने के बाद ये एम वन इधर गया वी वन वेलोसिटी से, ये एंगल थीटा वन बना रहा है मान ले, और ये एम टू इधर गया, इसकी वेलोसिटी वी टू और ये एंगल थीटा टू बना रहा है। हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो मुझे दो इक्वेशन मिल रही है, एक तो मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन मिलेगी, इसको मैं एक्स ले रहा हूँ इसको वाई ले रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो इक्वेशन मिलेंगी, और एक अगर इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्ड इक्वेशन और मिलेगी। तो मैं सारी इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एम वन यू वन इनिशियल मोमेंटम प्लस जीरो इसका मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में, तो एम वन वी वन इसका मोमेंटम हुआ और उसका कंपोनेंट इधर होगा एम वन वी वन कॉस थीटा वन, और ये वाई डायरेक्शन में इधर होगा एम वन वी वन साइन थीटा वन, इसी तरह एम टू के लिए एम टू। तो एक्स वाले कंपोनेंट में दोनों ऐड कर रहा हूं, एम वन वी वन कॉस थीटा वन प्लस एम टू वी टू कॉस थीटा टू, इक्वेशन नंबर वन। ये एक्स डायरेक्शन में आया, ऐसे वाई डायरेक्शन में निकालते हैं, तो इसका कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जीरो, इसका भी वाई कंपोनेंट जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो इक्वल टू इसका मोमेंटम। अब मैं साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, तो एम वन वी वन साइन थीटा वन, मेरी वाई डायरेक्शन में ये मेरा साइन कन्वेंशन है, और ये नीचे इसलिए ये माइनस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस
अब समझ लें, अगर इलास्टिक कोलिजन गिवन है तो एनर्जी कंजर्वेशन और लगाएंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो हमें खाली ये दो इक्वेशन, कंजर्वेशन और मोमेंटम की दो इक्वेशन मिलेंगी, इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे जो भी अननोन क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। और अगर इलास्टिक कोलिजन भी गिवन है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास ये थ्री इक्वेशंस हो जाएंगी, इसके बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलता हूं। हो गया सबका, स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का, आगे चलो। यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपको सेंटर ऑफ मास में से दे रहा हूं, ठीक है? ये हमें डिस्क गिवन है जिसकी रेडियस 6 r है, और मान लें यहां से हमने एक, ये सर्कल रिमूव कर दिया, स्मॉल सर्कल, इसकी रेडियस r गिवन है हमें, तो आपने ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन किए हुए हैं, खाली एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी फास्ट, तो मुझे ट्राई करके बता दें इसका जो रिमूव करने के बाद सेंटर ऑफ मास जहाँ होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे।
71/70 R and zero. ये बता रहे हैं मुझे और कॉमा जीरो. यस सर. नहीं अभी आंसर चेक करेंगे. पहले एक बात समझ लें, ये कट करने से पहले सेंटर मास कहाँ था? इसके सेंटर पर. अब हमने ये कट कर दिया तो नीचे वाला पोर्शन हैवी हो गया, तो हमारा सेंटर मास कहाँ जाएगा? कहीं यहाँ पर आ चुका होगा. तो एक तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा और वाई माइनस में आएगा, ये तो हमें पहले ही मालूम है. ठीक है, जीरो कोमा माइनस फाइव आर बाय 35. जीरो कोमा माइनस फाइव आर बाय 35. हाँ तो ये माइनस आर बाय 7 हो जाएगा. ये ठीक है, माइनस आर बाय 7 है ना. तो कैसे करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें ऑलरेडी मालूम है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा सेंटर ऑफ मास. तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें देख कर ही मालूम चल रहा है. वाई कोऑर्डिनेट के लिए एम वन वाई वन माइनस एम टू वाई टू अपॉन एम वन माइनस एम टू, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं. और इसकी रेडियस 6 आर है, तो अगर छोटे वाले ये जो डिस्क है इसका मास अगर एम हो तो बड़ी डिस्क का मास एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए बड़ी डिस्क का मास 36 m होगा. अगर छोटी वाली डिस्क का मास मैं एम लेता हूँ तो इससे मेरी कैलकुलेशन आसान होगी. और फर्स्ट वाली के लिए वाई कोऑर्डिनेट 6 r माइनस आर 5 r है मेरा छोटे वाले के लिए. वेट, ये जो छोटा वाला है इसका सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, तो ये टोटल 6 r है, उसमें से मैंने r माइनस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5 r. इसके लिए y2 5 r और y1 तो जीरो है, यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास. अब मैं इस इक्वेशन को लगा दूंगा यहाँ पे, m1 36 m इंटू जीरो माइनस m2 इंटू 5 r अपॉन एम वन माइनस एम टू 35 m. आएगा माइनस आर बाई 7. सबका आंसर आ रहा है? किसी को डाउट है यहां तक? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को. ये 8 मीटर के बने और ये डिस्टेंस 6 मीटर के बने, ऐसे ये 4 पॉइंट मास रखे हैं.
तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका डिस्टेंस ये डी से कितना होगा ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, मान ले इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ। डी से ये जो ओरिजिन है यहाँ से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है। ठीक ट्राई करते हैं, फिर हेल्प मिलेगी आपको। ये 4 पॉइंट मास से रखे हुए हैं, 8 kg ऊपर, ये 2 kg, ये 4 kg और ये 2 kg। क्वेश्चन क्लियर है आपको? ठीक है, क्योंकि वर्क एनर्जी में हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी अब इसमें भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप मुझे डिस्टेंस एक बार डिस्टेंस निकाल के बता दो, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम डी, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ। सर 3.75 मीटर। 58/68। 3.75 मीटर कह रहे हैं ये। बाकी लोगों आंसर आ रहा है ये सही है इनका? 58/60।3.75 कैसे किया आपने, मेथड बताओ मुझे। ठीक सेंटर ऑफ मास आ रहा है 3 और 9/4। अच्छा, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला देखो अभी इसको सेम क्वेश्चन को फास्ट करने का मेथड देखेंगे। ठीक है, तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे देखते देखते आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये 2 और ये 2 kg दोनों इक्वल मासेज हैं, तो इन इनको हटा के इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा सेंटर पे यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को हटा के 4 kg मास यहाँ रख सकता हूँ। स्टूडेंट समझ में आया ये आपको? स्टूडेंट्स ये आ रहा है समझ में कि नहीं, कि ये 2 kg और 2 kg इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा बीच में, सर। तो ये 2 और 2 मिलाकर हो गए 4, 4 मैं यहाँ रख सकता हूँ, पहले यहाँ तक समझो। अब देखो ये 4 और ये 4 इक्वल है, इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में होगा 8 kg, तो ये 6 साइड से ये 10 है, ये 5 है और ये 2.5 है। 8 से लेकर यहाँ तक, 8 तक का डिस्टेंस 7.5 है। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास
इस डिस्टेंस के बीच में होगा, इसलिए 7.5/2, तो मेरा आंसर एकदम फास्ट आ जाएगा। सर ये वाला स्टेप एक और बार फिर से बताना। हाँ एक बार फिर से बोलता हूँ, तो हमें हमारा मेथड भी सही है जो आपने किया वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर फास्ट कर सकें क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें वहाँ पे ऐसे फिगर मिलेगी कि हम फास्ट कर सकें। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो 2 और 2 इक्वल मासेज हैं, तो इस इन 2 को हटाकर हम इसके टोटल मास को इसके सेंटर पर रख सकते हैं, तो हमने इनको हटा के 4 kg यहाँ रख दिया, और फिर 4 और 4 ये दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होते हैं तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा, तो मैंने इन दोनों को हटाकर 8 kg बन गया टोटल, उसे बीच में रख दिया, और अब 8 और 8 ये फिर इक्वल हैं, इसलिए 16 kg मेरा इनके बीच में आ जाएगा, इसलिए ये फास्ट आ गया। देखो आप लोगों को मेथड क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट। हाँ फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अलग से बता रहा हूँ, 1 मिनट। जब मैं बीच में एक स्टेप बोलूंगा ना, अगर वहां पे डाउट हो तो पहले वहीं बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा, ये 2 kg है और ये 2 kg है, इन 2 को हटाकर मैं 4 kg यहाँ सेंटर पर रख सकता हूँ, ये बताइए ये समझ में आया? क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो मैं सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ, यानी टोटल 4 kg कहाँ वर्क करेगा? सेंटर पर, और क्योंकि ये इक्वल है तो इनके मिड पॉइंट पर होगा, और ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये 4 और 4 है, तो 4 और 4 का 8 kg हो गया, कहाँ वर्क करेगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो अब मैं इन दोनों को हटाकर टोटल 8 kg इनके सेंटर पे रख दूंगा, और ये मेरी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंटर ऑफ मास है, अगर 2 मासेस स्ट्रेट लाइन में है तो सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर ही आता है, तो ये 8 kg, ये 8 kg ये इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पर, और बीच का डिस्टेंस यहां से 5 का हाफ, ये 2.5 है, ये वाला बचा था 7.5, इसलिए 7.5 का हाफ 3.75 मीटर पर होगा, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। आप बताओ मुझे, अब आया समझ में? हाँ, तो कुछ क्वेश्चन में, सब में नहीं लगेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हम फास्ट कर सकते हैं, तो कभी कभी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें यह दिख रहा है 2 2 4 हो रहा है, ये फिर से 4 है, तो सब में ये नहीं लगेगा मेथड, लेकिन जहां पे सिमेट्री हो वहां हम यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है यहां तक? और आपको शायद असाइनमेंट वगैरह भी मिल रहे होंगे, तो वो भी आप सॉल्व करते रहना, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट कहाँ पे मिलेंगे? असाइनमेंट आपको सब उस पे डल रहे हैं, वो जो काइट्स कैल्विन पर, तो वहां से ले लेंगे, एक बार बात कर लेना एकेडमिक सेक्शन में, एक बार बात कर लेना, ठीक है? तो मैं आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी अगली क्लास में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। बाय।